हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सारे? आई होप आप सारे बढ़िया होंगे अपनी अपनी जगह। और आज जिसका इतना बेसब्री से इंतजार करा था हमने, वो दिन आ चुका है। आज हमारी फ्लाइट है 9 बजे की। इसी जगह मैं आपको बताऊंगा जो कोई नहीं बताता आपको, और जिस दिन आपकी फ्लाइट हो आप भी करके देखना। ये ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ मैं आपको जहाँ आपका स्ट्रेस बिल्कुल दूर हो जाए। ठीक लग रहे हैं? कमेंट में बता दो। चूना लग गया तुम्हारे भाई को, पता कितने का? 22,000 रुपये का। उसके बाद 1.5 लाख का नुकसान और हो गया। नहीं होंगे? चलो ठीक है, अंकल ने कह दिया लेट नहीं होंगे। बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ, लेट नहीं होंगे। हाँ नहीं चाको फ्रैंकफर्ट। तो कैसे आप सारे? आई होप आप सारे बढ़िया होंगे अपनी अपनी जगह। और आज जिसका इतना बेसब्री से इंतजार करा था हमने, वो दिन आ चुका है। आज हमारी फ्लाइट है 9 बजे की, और ये सुबह मैं 1 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ। और क्या बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस क्या करूं, क्योंकि मेरा जो लगेज है बहुत ज़्यादा ओवरवेट है। वेट आ रहा है कुछ 8 से 9 किलो ज़्यादा वेट आ रहा है। उस वजह से अब मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है, और मेरा हार्ट बीट तेज़ हो रही है कि यार क्या होगा चेक इन पे, और वो वेट का मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, या एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। पर चलो कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो देखते हैं। पर आप समझ सकते हो मेरी बात कि इतने कम बैग में इतना सारा करना, एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। और बैग का भी वेट अपना होता है, आपको पता ही है बैग का कुछ 5 से 6 किलो वेट होता ही है, तो उसके अंदर ये सब कुछ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर आज हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आप मेरे साथ जुड़े रहो, मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है स्ट्रेस। तो अभी हम चलते हैं, एक ऐसी जगह मैं आपको बताऊंगा जो कोई नहीं बताता आपको, और जिस दिन आपकी फ़्लाइट हो आप भी करके देखना। ये अजमा के देखना, तरीका बहुत अच्छा है। एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ मैं आपको जहाँ आपका स्ट्रेस बिल्कुल दूर हो जाएगा, और एकदम आप रिलैक्स फील करोगे। ठीक है, और रिलैक्स फील करने के बाद आपको एकदम से, जब आप फ्लाइट पर जाओगे, आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा और आपका मूड भी अच्छा रहेगा, और आप इन्जॉय करोगे। तो अभी हम वहाँ चलते हैं। तो ये अपडेट थे जो मैंने आपको थोड़े बहुत दे दिए कि मेरा लगेज थोड़ा हैवी चल रहा है, ये वो चल रहा है, पर उसको छोड़ते हैं, ये सबको साइड में रखते हैं। और आज ये बताओ मैं लग कैसे रहूँ? तो अब मैं जाने लगा हूँ, तो ठीक है, अब देखते हैं आप मेरे साथ जुड़े रहो हम कहाँ जा रहे हैं। और वहाँ जाना आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप थोड़े से स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हो तो। वरना फ्लाइट वाला दिन है यार, सबको पता है, भागा दौड़ी यहाँ वो ये वो, बंदा लगा रहता है यार ज़िंदगी में, और क्या ही है। अब वहाँ जाना है 6 बजे तक, वहाँ पहुँचना पड़ेगा, 3 घंटे पहले पहुँचना होता है। तो 9 बजे की फ़्लाइट है, 6 बजे पहुँचूँगा वहाँ जाके, फिर वहाँ उनके लल्ले पप्पे करने पड़ेंगे, यहाँ ये वो करना पड़ेगा सब कुछ। तो वो सारा मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा, तो आप टेंशन मत लेना, बहुत इजी है। इतना कोई हुआ नहीं है, जो फर्स्ट टाइम मेरा भाई ट्रैवल कर रहा है उसके लिए तो ये व्लॉग बिल्कुल बढ़िया है, क्योंकि आपको सब कुछ पता लग जाएगा इस व्लॉग में, और इन्फॉर्मेटिव भी रहेगी और मजाक भी चलता रहेगा। बाकी जो जो मैं भूल जाऊँगा तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता देना कि क्या क्या मैं भूल गया। बाकी तो चलते हैं, अब हमने कहाँ जाना है। ठीक है, जहाँ पर रहते हो बढ़िया जगह, अच्छी शांति, मेरी यहाँ सोसाइटी में इतनी शांति है, मोर मोर आते हैं भाई बढ़िया, और मज़ा आ जाता है यार ये छोड़ के। अभी देखो भजन चल रहा है, मज़ा, भजन कीर्तन सब कुछ सुनने को मिलता है यहाँ पे, मज़ा आ जाता है। पर यार क्या करें, कहाँ पे, जहाँ पे रब ने, गुरु नानक देव जी ने लिखे हैं दाने, वहाँ चुगने जाना तो पड़ेगा भाई। दाना पानी जहाँ लिखा है वहाँ जाना पड़ेगा, ये तो है। और टूटू, मेरा टूडो भी प्यार बड़ा परेशान है। हेलो कर दो, हेलो कर दो। आज बेचारा बहुत परेशान है यार, कल से ना इसको वोमिटिंग सी आ रही है, ये भी बहुत परेशान है। मैं जा रहा हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके बिना रहूँगा कैसे यार, यही तो मेरी जान है। देखो कितना क्यूट सा है यार, है कि नहीं है? कमेंट में लिख के बता दो है कि नहीं। देखो कितना क्यूट है, बड़ा प्यारा बच्चा है यार ये, इसको मैंने बोल नाजू से पालना भाई। इस बच्चे को छोड़ के जाना
कितना मुश्किल बात है, पर क्या करें, जाना पड़ेगा। ट्रूडो जट, अब इसकी इंस्टाग्राम आईडी में मैं डाल दूंगा ऊपर, तो फॉलो कर लो। इसका नाम है ट्रूडो जट, किसी तो नहीं काट, ट्रूडो जट। ठीक है जी, अब चलते हैं वहाँ पे, मैं जूते निकाल रहा हूँ, चलते हैं। ठीक है, आप भी वेट कर रहे हो कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं। हाँ, तेरे को भी जाना है, उतरो, चलो चलो जूते पाते और चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ जा रहे हैं हम। पहुंच गए, समझ गए होगे आप तो कहाँ पहुंच गए। यही है दरवाज़ा, वो जो आपको स्ट्रेस फ्री करेगा। वर्कआउट हो गया गाइस, अब मजा आ रहा है, पंप देखो इनसेन। अब हमें प्रोटीन पीना सिर्फ, अब मैं ऊपर जाके प्रोटीन पीता हूँ। मैंने ये जूते पाने के लिए, और आज मैं ये जूते पा के जा रहा हूँ। ठीक लग रहे हैं, कमेंट में बता दो। ये मैंने जब के लिए, मैंने इसको सिर्फ 5-6 बारी पाया है ना। टूटो टूटो, जूते कैसे लग रहे हैं? टूटो जूते कैसे लग रहे हैं, सुन के बता, अच्छे लग रहे हैं? यार 5 बज गए भाई, 6 बजे मेरे को जाना था, अब 1 घंटे में पहुंचना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा टाइम लगे बैगों को है ये करने में, रैप करने में। मैंने घर पर ही कर लिए थे रैप, तो अब चलते हैं। हम लेट हो गए, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, 5 तो यहीं बज गए, और 6 बजे जाना था हमें अंदर। और अब मिलते हैं, मैं आपको सीधा गाड़ी में मिलके बाकी की ब्लॉग का करते हैं, बात करते हैं आगे क्या चलना है, क्या करना है। और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, ठीक है, कब से मेहनत करके रैप कर रहा था, ये रैप हो गया, और मैंने इसमें अपना नाम भी लिखा है, ये लिखा, और रैप भी कर दिया था, उसको पे टेपिंग भी कर दी थी बढ़िया। और घर पर भी बहुत गंदा हुआ है, क्योंकि सारा सामान इधर उधर हो गया। अब जब मुझे छोड़ के आएंगे घर वाले, उसके बाद जाके सफाई करेंगे, अभी तो हो गया गंद बहुत ज्यादा। चले टूडो, कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया। चलो 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 टूडो, चलो 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 चलो, सबको लेके आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, चलो टूडो ज्यादा एक्साइटेड है। चलो 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 टूडी, चलो कम टूडो, टूडो मैं कहां बैठूं, टूडो टूडो मुझे जगह दे दो प्लीज, चलो टूडो, थैंक यू टूडो, टूडो भी आ गया। ओ भाई थक गए, बहुत मुश्किल है इतना सामान चढ़ाना। चलो वाहेगुरु 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 जी की।
जा रहे हैं प्रधान जी, ये मेरा ब्रदर, पापा, मम्मी, हाय कर दो। टूडो तू भी हाय कर दे, टूडो हेलो कर दो, हेलो कर दो। थक गया आज तो बिल्कुल, है ना। मैं जा रहा हूँ तेरे से दूर, समझ आ रही तेरे को। पहुंच गए एयरपोर्ट, चले चले चलो। टूडो को अटेंशन पूरी है, सारे टूडो को देख रहे हैं।
ही पहुंच गया हूँ काउंटर के पास इतना भाग दौड़ी के बाद, और चूना लग गया तुम्हारे भाई को पता कितने का, 22,000 रुपये का। एक डेढ़ घंटा मुझे लग गया भाई बैगेज करवाने में, और बैगेज भाई करी जा रही करी यार, कह रही मैं नहीं करूँगी। वैसे बिल बनाया 25-30 हज़ार रुपये, एंड में बाद में निपटी 22,000 रुपये दिया। फिर एक ये बैगेज लेके आया हूँ, अब पहुँच गया हूँ जल्दी, और भागा दौड़ी वाला रहा है सफ़र, आगे देखते हैं क्या होता है। खाली पड़ा हुआ सारा। हाँ मेरी फ़्लाइट है सबसे पहले दिल्ली टू मुंबई, मुंबई से है फिर मेरी फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से है कैलगरी, ठीक है। फिर आप सीधा देखते हैं आगे क्या होता है ना। 10-15 मिनट बैठना है, उसके बाद बोर्डिंग टाइम शुरू हो जाएगा, और फिर अब आपसे मिलेंगे सीधा मुंबई में, और इमिग्रेशन मेरी मुंबई में होगी। फिर इमिग्रेशन होने के बाद फिर मैं आपको वहाँ बताता हूँ कि क्या क्या हुआ क्या नहीं। बाकी लगेज में तो बहुत ज़्यादा भाई थक गया हूँ, डेढ़ घंटा खड़ा रहा। नहीं मानी, कह रही नहीं करूँगी नहीं। हाँ ठीक है, फिर नहीं करोगे तो फिर पैसे हैं, जहाँ सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए वहाँ सिर्फ पैसा चलता है, बिल्कुल पैसा। ठीक है गाइस, दिमाग में लाइन लगी हुई अपने आराम से, अब मैं बैठा हूँ यहाँ पे। ओ हाँ, मैंने जूते चेंज कर लिए थे यार, वो बोले ना मुझे मज़ा सा नहीं आ रहा था, तो मैंने दूसरे जॉर्डन पा लिए थे। ये देखो ये भी बहुत कंफर्टेबल है। बस ये लाइन थोड़ी ख़त्म होती है फिर हम चलते हैं। बढ़िया, ठीक है। पहुंच गए मुंबई एयरपोर्ट, अब सुना एयरपोर्ट है, बिल्कुल बेकार सा, और बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं यहाँ पे। और वो भाई बस लेने आई थी तो उसको रास्ता ही नहीं पता यार, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कहीं भी लेके जाई जा रहा है, सिस्टम बिठाया हुआ उसने, तो आधे घंटे से हम घूम ही जा रहे हैं। डन हो गया, मिल गया यार, यहाँ से हमारी कनेक्टिंग है फ्रैंकफर्ट की, और मिल गया है। अब कराएंगे अपना इमिग्रेशन, यहीं पे होगा इमिग्रेशन, यहाँ होने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या पूछा इमिग्रेशन में, क्या एयरपोर्ट तो ठीक ठाक लग रहा है ना, पर दिल्ली जैसा नहीं है यार। इमिग्रेशन की कितनी बड़ी है, लाइन ही लाइन लगी हुई है यार इमिग्रेशन में तो। और मेरी दूसरी फ्लाइट है, मैं लेट ना हो जाऊँ, मुझे तो टेंशन होने लग गई इतनी सारी लाइन देख के। पहुंच गए हम भाई, हो गया है और इमिग्रेशन हो गया। दो चार सवाल ही पूछे थे उन्होंने कि कौन सी कंट्री जा रहे हो, क्या स्टडी करने जा रहे हो, और आपने ग्रेजुएशन किस में करी है और कहां से करी है, मैंने बता दी उसको।
और ये हम आ गए मुंबई के ड्यूटी फ्री पे। अब पहुंच गए, इमिग्रेशन हो गया था हमारा, तो मैंने जैसे आपको बताया था। और हाँ, एयर इंडिया का मैं एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ भाई, बिल्कुल रद्दी एक्सपीरियंस है एयर इंडिया का, भी मत जाना। खाना इतना बेकार, सीट इतनी बेकार आपकी, मेरी बैक एक और में लग गई है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा बैक में, और सबसे बेकार है एयर इंडिया। पर अब तो मेरी लुफ्तांजा, अब तो बढ़िया है यार लुफ्तांजा, और मुझे भूख लग रही थी तो मैं मैकडी आया हूँ, और मैकडी अब मैं कुछ खाऊँगा, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है गाइस, और अभी खाने के बाद, इसको पीलने के बाद फिर हम बात करते हैं आगे, जब हम अपने बोर्डिंग गेट के पास जाएंगे। गेट पे बोर्डिंग टाइम है मेरा 2:15 और 2:45 की मेरी फ्लाइट है फ्रैंकफर्ट की। ठीक है, ना टाइट अब बांध लिया मैंने, टर्बन मैंने उतार दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई थी। और अब मैं फ्रैंकफर्ट की गेट पे पहुंच चुका हूँ, मैकडी से खाना खा लिया था, छोटा मोटा जो भी जंक फूड मिला वो खा लिया था। अब हम वेट कर रहे हैं कि 2:15 पे मेरा बोर्डिंग टाइम शुरू है, उसके बाद फिर हम फ्रैंकफर्ट के लिए जाएंगे। 6 से 7 घंटे की शायद फ़्लाइट है, 6-7 घंटे की फ़्लाइट है। फिर हम फ्रैंकफर्ट पहुंच के आपको वहां के टूर कराएंगे एयरपोर्ट के, और कनाडा हम पहुंचेंगे, फिर वहां जाके मैं आपको इमिग्रेशन करूंगा, तो फिर मैं आपको वहां जाके बताऊंगा कि इमिग्रेशन में क्या पूछा गया क्या नहीं। अभी तक का सफ़र नुकसान भरा थोड़ा था, एक्साइटेड था, ठीक था। सबसे पहले तो लगेज के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि चूना लग गया भाई 22,000 रुपये का, उसके बाद 1.5 लाख का नुकसान और हो गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। शुक्र है मैं 2 फ़ोन कैरी कर रहा हूँ, ये वाला बैटरी चार्ज नहीं थी, अभी पावर बैंक लगाया हुआ है तो ये पावर बैंक काम आ गया हमारा, पावर बैंक से चार्ज कर रहा हूँ। मेरे पास S20 Ultra था, S20 Ultra भाई मेरा टूट गया, चकना चूर हो गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोन की कंडीशन कैसी है। पटाखा पड़ चुका है और अब आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ी कम मिलेगी, पर मिलेगी 1080p, क्योंकि पहले मैं 4K में शूट कर रहा था। अब एक तो क्वालिटी भी गिरेगी क्योंकि दूसरा फ़ोन मेरे पास ओप्पो है, ओप्पो आपको पता ही है 4K नहीं कर पाता शूट, क्योंकि नॉर्मल बेसिक है ये, मैंने ऐसे ही रखा होता कॉल वॉल रखने के लिए, वीडियो के लिए ये रखा होता है S20 Ultra। इसका पटाखा पड़ गया, नीचे की स्क्रीन चल नहीं रही, यहाँ से ऊपर की चल रही है, नीचे से बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये नुकसान हो चुका है। और 22,000 रुपये भाई हमारे वैसे ही वहाँ लग गए थे, तो आप कुल मिला के लगा लो जितने की टिकट नहीं उससे ज़्यादा तो नुकसान हो चुका है अभी तक का। पर कोई दिक्कत नहीं, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, रब की मेहर है, कोई दिक्कत नहीं। फ़ोन टूट गया, पैसे एक्स्ट्रा लग गया, पर हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच ही जाएंगे एट द एंड, रब मेहर करे तो। ठीक है, बाकी लोग यार बड़ा गंदा रिएक्शन देते हैं जब आप वीडियो बनाते हो ना, ऐसे घूमते हैं ना, पता नहीं क्यों यार, पता नहीं वीडियो ही तो बना रहा हूँ, क्या हो गया, आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप देखो, आपको कोई दिक्कत ना हो, मैं कंटेंट आपको दूँ और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले और आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आपको कभी कोई कुंडा ना हो, नुकसान ना हो मेरी तरह, जैसे मैंने जैकेट इतनी भर ली, ट्रैक सूट भर लिए और उसके बाद मेरा कुंडा हो गया। पता नहीं लोग बड़ा गंदा सा रिएक्शन देते हैं, पता नहीं क्यों, मैंने पता नहीं इनका क्या बिगाड़ा। जैसे चलो छोड़ो, बस अब शुरू होने वाला भाई, थोड़ी देर में बस बोर्डिंग टाइम शुरू होने वाला है, उसके बाद मैं आपको फ्लाइट पे बैठ के एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, खाना भी बताऊंगा क्या दिया क्या नहीं। ₹25,30,000 ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਹੀ ਭਰਨੀ ਪਈ ਹਾਂ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਲੋਰੀਆ ਬਣਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
फाइन आला चेक कर या दिस वन फ्रैंकफर्ट पहुंच गया और एयरपोर्ट बहुत बढ़िया है, डिसेंट क्राउड है यहाँ पे और लेट हो रहे हैं क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट है। या आई एम कमिंग, बस हम जा रहे हैं दूसरी फ्लाइट पे, वहाँ जाके बोर्डिंग टाइम पे पहुंच के फिर मैं आपको करता हूँ। जा रहे हैं अभी अपने गेट पे, वहाँ जाने के बाद अंकल जी मिले मेरे को। अंकल जी हाय बोलो। हाय अंकल जी भी कैलगरी जा रहे हैं, इनके बेटे की वेडिंग है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ जा रहे हैं अटेंड करने। सिक्योरिटी चेक हो रहा है यार, लाइन बहुत ज़्यादा है और हम लेट ना हो जाए। नहीं होंगे, चलो ठीक है, अंकल ने कह दिया लेट नहीं होंगे, लेट नहीं होंगे।
30 परसेंट मिल गया भाई। बहुत टेंशन हो रही थी, बहुत इजीली स्मूथली हुआ काम। अब मैं आपको बहन बाहर लेने आई है और फिर मैं आपको बताता हूँ। मज़ा आ रहा है, पहुंच गए देख लो, वो भी एक महीना पहले। ऑडियो अगर आपको थोड़ी सी खराब आ रही हो, वेरी गुड। मेरे साथ भी ऐसा होता है जब मैं पैसिफिक मॉल जाता हूँ ना, भूल जाता हूँ। पर अब पैसिफिक की बातें नहीं, बातें ऊपर तक। हाँ मिल गई गाड़ी, है ना फाइनली। अब गाड़ी की तरफ जा रहे हैं हम। हाँ स्नोफॉल हो रही है पूरी। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बी केयरफुल। फिर मेरे माँ लेके जानी है आज गाड़ी, बाइक चलाएगा। ये नहीं है, कम हियर ब्रो, कम फ्रॉम दिस साइड। हाँ ब्रो, यो गाड़ी एक बात करी है ये रही, यू वांट टू गो फ्रॉम हियर और यहीं से मैनेज कर लेंगे। मैं निकालूंगा गाड़ी, भाई चलाएगा। अबे चल, गाड़ी की चाबी भाई के पास है, इधर आ जा, गाड़ी भाई चलाएगा। बैग रख लिया भाई, अब चल रहे हैं, चलें अब घर चलते हैं। यस यार, गाड़ी भाई ने चलानी थी, नान साफी होगी। नो 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 नो, इसने टिकट का डरावा डाल दिया मेरे को कि $100 जो तू लेके आया है जमा पूंजी जोड़ जोड़ के, वो गरीब बाप की पूंजी और गरीब बाप की औलाद जो पूंजी लेके आई, वो $100 देने पड़ जाएंगे टिकट पे। तो इसने बहुत चालू भाई, कोई दिक्कत नहीं। बैग वैग रख लिए, गाड़ी बहुत बड़ी है, पूछो मत कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है। लिमोजिन ये देखो, 6 फुट बंदे की लाते, देखो कैसे आ रही ये है तो, ये दिखाओ, ये तो पहले दिखाओ, लाते तो पूरी आ रही है यार। नहीं गाड़ी तो अच्छी बड़ी। हाँ चलो, अब चलो बोलो सतनाम वाहेगुरु, और चलो सतनाम श्री वाहेगुरु। बहुत ही बड़ी हो जाएगी अगर आप इंटरेस्टेड हो 30-35 मिनट की वीडियो देखने के लिए। ये आप ये कि ये सोचो, ये नेटफ्लिक्स की सीरीज है, ये व्लॉग नहीं है, ये नेटफ्लिक्स की सीरीज है। ये हमारा इतने सालों बाद का मिलन है कि ये हम इसको ना शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हाँ अब बहन को गए इतना टाइम हो गया और फिर मिले भी नहीं, फिर बीच में एक बारी आई थी, फिर चलेगी, आती भी 10-15 दिन के लिए, तो क्या ही करें। ब्रो यू आर जस्ट ब्लॉकिंग माय, ओह सॉरी, I can't see anything. मुझे पता नहीं था ना कि तुम ये देखते हो, हम तो नहीं देखते, हम तो ऐसी इधर उधर सारी जगह। That's why I didn't give you card. मजाक कर रहा हूँ मैं, एक बार तू देख के देख, अगर प्रोफेशनल ना चलाई मेरा नाम बदल दियो। नहीं नहीं, I'm scared of you. मच्छी कट यहाँ नहीं चलेंगे। आपके दिल्ली और गुरुग्राम वाले मच्छी कट यहाँ, मच्छी कट ऐसे जाके जो ऐसे लग जाए वो होता है मच्छी कट, ठीक है भाई, याद होगा, दिल्ली में जो रहता है उसको तो पता ही है। यहाँ नहीं चलेंगे आपके मच्छी कट। यार कितना चिट्टा है पूरा ना, सीरियल आई पई है, इट्स वाइट। जिन्नी अंग्रेजी चलनी सी ओ आपा इमिग्रेशन जी यूज कर लेती, उन 7 बैंड गए पार्ट च पंजाबी च आ जाओ। हाँ यार मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ सरवाइव करना है तो पंजाबी आनी। हाँ सो यू विल नॉट इम्प्रूव योर इंग्लिश एट ऑल हियर, बट यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर पंजाबी। हां जी, मैं भी दिल्ली तो सीखी तो मैं कभी पंजाबी बोली नहीं, बट इतना आगे सीख गए। हां नाउ आई फील, यही है सिस्टम, मैं हिंदी हुन प्रेफर ही नहीं करती। हां ओके, सो लैंड फॉर सेल लेनी है भाई 3 एकड़, तो बताओ अभी। ओके कितना, दैट्स माय ऑफिस वेस्टर्न, वो रहा बहन का ऑफिस, वो रहा इतनी दूर, वो रहा ये रहा ये रहा। हां तू चुप नहीं कर दी, तेरा फोन बोल रहा है। हां जी कनेक्टेड है, इसका ऑन्टारियो कॉल आ रहा है। दूर देखो यार कितना बढ़िया है ये गुरुघर, अभी ये रहा गुरुघर, थोड़ा कुछ जरूरी आती, देखो हमने कुछ खाया पिया नहीं, अब गुरुघर जाएंगे सबसे पहले।
क्योंकि शुक्राना करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शुक्राना करना, है ना, क्योंकि उस रब के बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँचे, आगे सारे रास्ते उसने सीधे पाने हमारे, है ना, अगले ने हमारे दाना पानी इधर लिखा है तो हम यहाँ चुगने आगे, वरना कोई अपने शौक को नहीं आता। स्टोर मेरे मन में था जब करतार आएगा तो मैं करतार को स्टोर पे लेके जाऊंगी, तो गुरुगढ़ जाने से पहले हम एक मिठाई का डब्बा लेंगे। हाँ जी। और हम आटा या जो भी आपकी शर्तें हैं। हाँ जी, जरूर। मेरे ये मन था मेरा, फिर कर लेतेगा, बहुत अच्छा था। उनके पास स्वीट्स भी मिलती हैं, वहाँ से हम स्वीट्स लेंगे। मेरे को कुलचे की याद आ गई, जीना मरना है ना हमारा कुलचे के साथ, जब भी अंबरसर जाते भाई जीना मरना कुलचे के साथ। वहाँ से हम स्वीट्स लेंगे। हाँ। और ये आप जो सामने ड्राई फ्रूट्स और ये जो ग्रोसरी स्टोर देख रहे हो, अगर आप देखोगे ऊपर हाँ। लिखा है पंजाबी चूल्हे का ग्रोसरी स्टोर भी है ये, तो हम ग्रोसरी स्टोर से जो भी आपका मन है, आटा दाल चावल कुछ भी जो मन करता है, दूध दे बॉटल हो गए, है ना, वी कैन गेट इट फ्रॉम हियर एंड देन अपा गुरु का चढ़ाएंगे। हाँ, बहुत चढ़ानी, शुक्राना, शुक्राना करेंगे। ओके ओके, लेट्स गो। इतनी शांति स्टोर में, अब देख लो हमने क्या लेना है, तुम बताओ। या आटा कहते खुशियों में तो शुगर ही चढ़ाते हैं, दूध मीठा मीठा नहीं है। हाँ, मीठा मिठाई होगी फिर आटा।